हाय फ्रेंड्स, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे हम छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि 2 से 3 साल के बच्चों को अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD सिखाएं। बच्चों क्या करते हैं ना, अभी लॉकडाउन के चलते स्कूल तो बंद है, तो दिन भर टीवी में चिपके रहते हैं। वो लोग खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ करते, टीवी ना देख के हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, हमसे दोस्ती करे और हमसे कुछ सीखे। क्या कर सकते हैं सर, बहुत कुछ आइडिया है। मेरा मानना है कि हम जितना बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए फर्स्ट कुछ क्लास कार्ड अटैच करती हूँ। क्लास कार्ड का मतलब है ऐसे मोटा वाला पेपर आता है, अगर मोटा पेपर आपके पास नहीं है तो डिब्बा होता है कट कर दीजिएगा और ऐसे मैं देखिए ए लिखी हूँ। अब जब भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ट्राई करना कि थोड़ा बिग साइज़ का लिखे। इससे क्या होता है ना, बच्चों आसानी से समझते हैं इसे, वो देखते हैं इसे, बार बार देखेंगे तो उनको उनके दिमाग में ये बस जाएगा कि नहीं ये ए लेटर है। इस तरीके से हम सारे लेटर्स को लिख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हम लेटर्स लिखते रहेंगे तब हम लोग एक जैसा कलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चे को कलर्स बहुत पसंद है। छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग एक जैसा कलर, जैसे कि ये रेड है, ये भी रेड है, ऐसे एक जैसा कलर बना के उन लोगों को दे दिए तो वो लोग क्या, उनको समझ में नहीं आए कि ये क्या है, ये क्या है, वो लोग समझ नहीं सकते हैं। अभी छोटे हैं ना, वो लोग 2-3 साल के बच्चों को तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, तो हम क्या करेंगे, जब भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे हम लोग कलरफुल बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ ए रेड का लिखी हूँ, बी ग्रीन में लिखी हूँ, सी को ऑरेंज कलर में लिखी हूँ, डी को ब्लू कलर में लिखी हूँ, ऐसे ही कलरफुल बनाएंगे। तो बच्चे को क्या होगा ना, ए बोलेंगे तो वो रेड कलर को अच्छे से पहचान लेंगे। उसे क्या होगा ना, पहला तो उसे कलर का ज्ञान आ जाएगा, ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है, वो कलर को अच्छे से पहचान पाएगी। पता नहीं सकती कलर कौन सा है, लेकिन उसे डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा बच्चों को। देन जब भी लिखेंगे बिग साइज का लिखेंगे, एक ही पेपर में एक ही लिखना, दो नहीं चाहिए, एक ही लिखने हैं हमें। ऐसे हम बनाएंगे, बच्चों को खेलने के लिए देंगे, हम पढ़ाएंगे उसे, ये ए लिखाएंगे, एक हमारे लिए एक सेट बनाएंगे और एक बच्चों के लिए। हम जब दिखाएंगे उन लोगों को ए, वो लोग भी धीरे 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 उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये ए है, और वो लोग भी एक निकाल के दिखाएंगे हमें। ऐसे करके हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट, बाज़ार में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, हम बुक्स भी ला कर बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन बुक्स लाए तो कैसे वाला बुक्स लाए, कौन सा वाला हम चूज़ करेंगे अपने बच्चों के लिए? 2-3 ईयर्स की बच्चे के लिए मैं सोचती हूँ कि एक ऐसे बुक्स लाए जिससे कि एक पेज में एक ही लेटर्स हो और एक ही पिक्चर्स हो। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, एक बुक है, इसमें क्या है ना, देखिए एक ही पेज में 6 लेटर्स है और 6 पिक्चर्स है। ये क्या होता है ना, जब बच्ची देखती है, एक पेज को देख लिया, देखा कि ये जो है पिक्चर्स, उसे तो पहचान लेगी आसानी से वो, क्योंकि ये सब अपनी रोज की जिंदगी में वो देखती रहती है, ये सब पहचान देंगी। लेकिन ये जो ABCD है, ये सब पहचानना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बुक चूज करेंगे जहाँ होता है कुछ बुक्स से ऊपर ए लिखा होता है, नीचे एक एप्पल का पिक्चर्स होता है, नेक्स्ट साइड बी लिखा होता है और नीचे बॉल का पिक्चर होता है। हम ऐसे वाला बुक लाएंगे। देन क्या करेंगे बच्चों को, हम जो अर्थ में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ABCD जो टैब आता है ना, कलरफुल वाला टैब, उसे चिपका देंगे ABCD लिख के। बच्चे को बोलेंगे जंप करके जाओ और ABCD बोलते जाओ, तो बच्चे क्या करेंगे ना, एक ए के पास आके बोलेंगे ए, देन नेक्स्ट जंप करेंगे बी, बी में जाके बोलेंगे ये बी, नेक्स्ट जंप करेंगे सी के पास। ऐसे कर करके वो लोग खेल कूद भी हो जाएगा उनका और ABCD सीखना हो जाएगा, है ना गुड आइडिया। जब आप खाना खाते हैं, उस टाइम आप जब खाना खाते हैं, जहाँ बैठते हैं उसके सामने हम बना देंगे जो लेटर, जैसे कि ए लेटर का एक
लगा देंगे हम लोग और बच्चों को खाना खिलाने बैठ जाएंगे। जब उन्हें खाना खिलाते रहेंगे हम लोग, खेल खेल में उन्हें पूछेंगे ये क्या है, ये कौन सा लेटर है, एक दो बार बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर बताएंगे ये ए है, क्योंकि हम उनको बार बार बताते रहते हैं रहेंगे ना, ए है ए है ए है बोल के, तो वो लोग हमें भी बताएंगे कि ये ए लेटर है। नेक्स्ट, जो टीवी देखते हैं बच्चे क्या देखते हैं, राइम्स देखते हैं, तो राइम्स क्या हमने गा सकते हैं खुद से, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी ना, ऐसे तो गाते हैं ना वो लोग, हम भी गाएंगे ना हमारे बच्चे के लिए। आप देखना जब भी आप एक दो बार तो आपको देखेंगे क्या कर रही है, उनको समझ में नहीं आएगा मम्मी क्या बोल रही है क्या कर रही है, ऐसे सोचेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ वो लोग भी गुनगुनाने लगेंगे। हो गया ना, ये भी एक खेल, खेल में बच्चे सीख रहे हैं ना ए बी सी डी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो बेल आइकन को बजा के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।